इमाम हुसैन और उनके अनुयायी की शहादत की याद में बुधवार को मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम प्रदेश भर में सादगी के साथ मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने आशुरा की नमाज अदा कर अमन और शांति की दुआएं मांगी। इसके साथ ही प्रदेश के कई नगरों में ताजिए का जुलूस निकाला गया और कर्बला में ठंडा किया गया। प्रयागराज में बुधवार शाम को मुहर्रम पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान तकरीर में कर्बला की जंग के बारे में बताया गया। मातमी जुलूस में या हुसैन की गूंज सुनाई दी। सैकड़ों ताजिए, बुर्राक, सवारियां, इस्लामी परचम के निशानों के साथ यह जुलूस शहर के कई इलाकों में पहुंचा। ढोल नगाड़ा, ताशों आदि परंपरागत वाद्यों के गूंज के बीच शहर की विभिन्न इलाकों से अंजुमन कमेटी के द्वारा जुलूस निकाली गई। इस ताजिया जुलूस को विभिन्न सड़कों पर काफी उत्साह के बीच घुमाया गया। ताजिया जुलूस में शामिल बच्चे, जवान, बूढ़े सभी या हुसैन का नारा लगा रहे थे। गौरतलब है कि मुस्लिम धर्म के दो बड़े समुदाय शिया और सुन्नी हजरत मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने को मुहर्रम कहा जाता है। इसकी 10वीं तारीख यानी 10वीं मुहर्रम को मातम का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि मुहर्रम के 10वें दिन कर्बला की जंग में हजरत अली के बेटे हुसैन और साथियों की जान ले ली गई थी। तब से शिया समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं।